सो है गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग DIY लैब बेंच पावर सप्लाई सर्किट बनाने वाले। इस सर्किट से आप वोल्टेज को तो एडजस्ट कर ही सकते हो, प्लस करंट को भी एडजस्ट कर सकते हो एट 10 एम्पियर। और कोई जरूरत नहीं आप लोगों को 4-5 हज़ार रुपया खर्च करने की एक लैब बेंच पावर सप्लाई खरीदने के लिए, जबकि आप इस सर्किट को अंडर 500 रुपीज में बना सकते हो। जी हाँ, अंडर 500 रुपीज में। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, सर्किट डायग्राम भी इसी वीडियो में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कस्टम मेड PCB ऑर्डर किया JLC PCB की वेबसाइट से। और वैसे आप लोग कैसे इसे फ्री में ऑर्डर कर सकते हो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। Two thousand years later. JLC PCB की वेबसाइट से कस्टम मेड PCB ऑर्डर करना काफ़ी आसान है। घर पर फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे कि आप लोग डाउनलोड करके उनकी वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हो एंड ऑर्डर पर लगा सकते हो। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू रजिस्टर करते हो तो आप लोगों को कूपन कोड मिलेगा, जिससे कि आप लोग अप्लाई कर अपना कस्टम मेड PCB फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हो। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड करने के बाद वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। सो यहाँ पर मैंने सर्किट में मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है, एंड एज यू कैन सी कि मिनिमम वोल्टेज 1.1 वोल्ट है। राइट वाला पोटेंशियोमीटर वोल्टेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए, मतलब एडजस्ट करने के लिए, एंड लेफ्ट वाला पोटेंशियोमीटर करंट को एडजस्ट करने के लिए है। यहाँ पर मैं जस्ट आप लोगों को वोल्टेज इंक्रीज एंड डिक्रीज करके दिखाऊंगा। आगे इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक लोड कनेक्ट करके दिखाऊंगा, जिसमें कि मैं करंट को एडजस्ट कर रहा हूँगा।
सो गाइज, ये तो था, मैंने आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दिया। अब मैं आप लोगों को करंट भी चेक करके दिखाऊंगा, मतलब इंक्रीज एंड डिक्रीज करके दिखाऊंगा सेकंड मल्टीमीटर लगाकर। इसके सीरीज में लगाने रहता है, आई होप कि आपको पता होगा। सो यहाँ पर मैंने कैमरा एंगल को चेंज कर दिया जिससे कि आप लोगों को मल्टीमीटर की दोनों वैल्यू शो हो अच्छे से। एंड मैंने आउटपुट पर वाइट LED लगाया, देख पा रहे हो यहाँ पर आउटपुट पर वाइट LED लगाया लोड देने के लिए। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज करता हूँ, 24 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने फुल चालू कर दिया, हालांकि वो 12 वोल्ट का लाइट है। तो अब मैं यहाँ पर करंट इंक्रीज करता हूँ। देख पा रहे हो कि यहाँ पर करंट 2 एम्पियर का मिल रहा है। अब मैं करंट को डिक्रीज करता हूँ, ये देख पा रहे हो कि 0.26 करंट मिल रहा है मिली एम्पियर। वापस से इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पर पावर सप्लाई डिक्रीज करता हूँ मैं। टेन वोल्ट मिल रहा है और 1 एम्पियर पे चल रहा है हमारा LED। अब यहाँ पर मैं करंट को और इंक्रीज कर देता हूँ, अब वोल्टेज को भी इंक्रीज कर देता हूँ मैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है, यहाँ लाइट ख़राब हो जाएगा, मेरा ब्लिंक कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का LED और मैं इसे 24 वोल्ट पे चला रहा था। एंड ऑफ कोर्स खत्म ख़राब होगा, डिक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वोल्टेज डिक्रीज कर दिया क्योंकि 24 वोल्ट का LED वो नहीं है, 12 वोल्ट का LED है, सो ख़राब हो जाएगा। सो आई होप कि गाइस आप लोगों को ये DIY लैब बेंच पावर सप्लाई सर्किट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आओ, और मेक श्योर कि आप JLJPCB की वेबसाइट को विजिट करना ना भूले। गर्बर फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ माय गॉड, धुआं निकल रहा है। अच्छा, इसमें मतलब एक प्लास्टिक का लेयर जो चिपका था उसी में से धुआं निकल रहा है। आज ये लाइट टाटा बाय बाय खत्म, गर्म हो गया। वैसे मैंने अपना लाइट तो ख़राब कर दिया, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो बनाने के लिए मैंने अपनी लाइट की कुर्बानी दे दी। आँख चमकने लगा, ओह माय गॉड, अंधा ना हो जाना।